निकल रहे हैं कोलाबा स्ट्रीट शॉपिंग के लिए, गेटवे एंड वो जो मेराइन ड्राइव वगैरह वो सब इवनिंग को रखेंगे। सो मैं बताती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। साइड हो जाऊं मैं खाना ये शंकर के साथ में। हाँ सब इवनिंग को रखेंगे। सो इसलिए अभी रूम में बैठ के क्या करेंगे, आए तो है तो फिर जाना तो पड़ेगा ही। सो इसीलिए निकल चुके हैं ऑलरेडी, बहुत रेस्ट हो चुकी थी। सो इससे धूप भी ही निकलना था, सो निकल चुके हैं ऑलरेडी। सो कहाँ जाते हैं आपको बाद में बताती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। स्ट्रीट शॉपिंग में एंड पहली नज़र में मुझे कुछ ये मिल गई जो कि वो यहाँ पे खुद बनाएंगे। ये लॉकेट वगैरह चेन ऑलरेडी होगा, वो बस लॉकेट आपको बना के देंगे। एंड लाइवली यू कैन सी जस्ट, एंड उनके पास कैटलॉग भी है, आप इंग्लिश हिंदी वट एवर जो भी आप चाह रहे होगे वो वहीं पे बना के आपको दे देंगे ऑलरेडी। एंड इसकी प्राइस आई थिंक 250 है, हाँ 250 है। एंड आधा घंटे के बाद वो बोल रहे हैं कि आके आप ले जाना। सो अभी मैं ऑलरेडी ऑर्डर कर चुकी हूँ, सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट शॉपिंग।
सो गाइज, ये वाली इयर रिंग्स मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, बिकॉज ये जब मैं यहाँ पे मेला वगैरह में जा रही थी तब मैं ये सब इयर रिंग्स देख रही थी, एंड वो 200-350 ऐसे बोल रहे थे बिकॉज ऑफ ये कुछ मतलब कुछ एंटिक पीस है वो बोल रहे थे इसीलिए इतनी प्राइस, एंड यहाँ पे 80 बोल रहा था वो शायद, एंड मैं 50 में बार्गेनिंग की थी, एंड यहाँ पे इतनी सारी कलेक्शंस थी कि मुझे लग रहा था कि मैं सब कुछ ले लूँ, बट वो तो मैं नहीं कर सकती है, बट मैं कुछ कुछ चूज करके ले रही थी। सो वॉच इट फूल। और एक इयररिंग्स, मतलब यहाँ पे तो अनकाउंटेबल, मतलब इतनी सारी दुकान है कि बोलो मत, स्ट्रीट में ही है, एंड यहाँ पे भी आप देख पा रहे होगे ऑलरेडी इतनी सारी कलेक्शंस है ना, मतलब कोई भी रिपीटेड नहीं है, एंड सब कुछ आपको पसंद आएगा, आई कैन सी। सो लेट्स गो। एक्चुअली
nice actually. For mama. Yeah. Why too? See? What height is it? 750. Hello. क्या है भैया इसकी प्राइस? अच्छा 950 का. 950 और अब आ गए वही स्ट्रीट शॉपिंग में. ये कुछ स्पेक वगैरह था, आप जो भी मतलब आपके फेस के हिसाब से आप कुछ भी ले सकते हो. वो 100-200 कुछ बोल रहे हैं एंड आपके बार्गेनिंग के ऊपर ये डिपेंड करता है. और क्या इट लुक्स सीरियसली मतलब ओ माय गॉड. एंड यहाँ पे लड़कियों की इतनी सारी कलेक्शंस थी ना बेल्ट की. मुझे तो मतलब मैं इतनी यूज नहीं करती हूँ बट फिर भी मुझे लगा कि ये वीडियो आपकी कुछ हेल्प में आ सकती है, इसलिए मैंने ये भी बना दी थी. एंड यू कैन सी जस्ट सब कुछ मतलब अलग ही है एंड आई थिंक सब कुछ डिफरेंट ही है. यू कैन सी एक्चुअली मैं जितनी भी अभी तक मैं जितनी भी शॉपिंग की हूँ ना, मतलब आज की बात कर रही हूँ, सबसे मुझे यूनिक एंड पसंद इतनी आई है. मुझे लग रहा था कि मैं ये सब कुछ ले लूँगी, यू कैन सी. एंड ये इतनी यूनिक लग रही थी ना एंड सब कुछ, ये कलर भी यूनिक है एंड डिज़ाइन भी यूनिक है, तो मुझे लगा कि मैं तो यहाँ से सब कुछ ले लूँगी ये वाला. सो इसकी प्राइस बहुत ही कम थी, मतलब 150 से स्टार्टिंग हो रही है. एंड यू कैन सी मतलब आई लव दिस. एंड मैं क्या क्या ले रही हूँ ये आपको मैं अलग से वीडियो में दिखाऊंगी. स्टे ट्यून एंड यू कैन सी एंड आई लव दिस कलर, यू नो. एंड यू नो व्हाट, मतलब हर जगह पे आपको वीडियो अलाउ नहीं है बट फिर भी मैं ये परमिशन ला के मतलब ये बोल रही थी कि मैं ये लेने वाली हूँ, इसीलिए आप अलाउ कर दो ये वाली वीडियो दिखाने के लिए. बस दैट्स इट फॉर यू गाइज, फॉर यू. एंड फाइनली गाइज, मैंने ये जो पहली जब आई थी ना तो आज जब ऑर्डर की थी एंड ये वाली ऑलरेडी ये एक घंटा हो गया होगा शायद, तो अभी हम आ चुके हैं ऑलरेडी ये लेने के लिए. एंड दिस लॉकेट ना, ओ माय गॉड, यू कैन सी जस्ट मतलब कुछ नगमा एंड साइड में एक हार्ट है, यू कैन सी. एंड हाउ इज़ इट कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना. एंड यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ऑलरेडी बहुत सारी मतलब ऑर्डर है इनके पास. एंड जितने भी लॉकेट ये बनाएंगे ना, वो एक लॉकेट को विथ चेन के साथ 250 ही लेंगे. एंड हाउ इज इट माय लॉकेट, यू कैन जस्ट कमेंट बिलो. हाँ 10 रुपये वाला है ना. सिंगल चाहिए? सिंगल नहीं है, दो आएंगे 150. इतना बड़ा वाला मेरे पास. एंड फाइनली स्ट्रीट शॉपिंग करते करते इतनी ज़ोर से भूख लग रही थी, ऑलरेडी 4 बज चुकी थी एंड मतलब 3:30 हो गई थी. सो लगा कि कुछ खा ले, तो हम आ चुके हैं लियोपोल्ड कैफ़े, यू कैन सी. यहाँ पे हैंग आउट करने के लिए एंड पीने के लिए जगह सही है बट पीसफुली खाने के लिए एंड वगैरह वगैरह कुछ करने के लिए ये जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, यू कैन सी. एंड स्टे ट्यून्ड.
दूसरा दे देता हूँ, दूसरा दे दीजिए थोड़ा कम। निकल रहे हैं एंड ये मतलब हेडक जिसकी होगी ना, मतलब ये डबल हो जाएगी यहाँ पे आते आते। एनीवेज खाना भी मतलब 5 से 2 या 2.5 बिकॉज ऑफ मतलब ज़्यादा ऑयली थी एंड मतलब ऐसे वैसे तो मैं जज नहीं करती हूँ कोई भी चीज़ को, बट फिर भी खाने के मामले में मैं बोलूँगी ये 5 से 2, 2.5 या। एंड बाहर मुझे कुछ पेस्ट्री खाने की मन कर रही थी एंड वही लियोपोल्ड कैफ़े के नीचे इतनी सारी मतलब थी ना ऑप्शंस, मतलब आई एम गेटिंग कन्फ्यूज कि मैं कौन सी लूँ, मतलब मैं डाइट कर रही हूँ एंड क्या करूँ मैं एंड मतलब एनीवेज कोई भी हम ऑर्डर कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा सुंदर कौन सी दिख रही है आप कमेंट सेक्शन में बताओ एंड आपके हिसाब से जो सबसे अच्छी दिख रही है ना मैं वही खा रही हूँ एंड गेस विच वन डस्क या दिस वन। How is it?
वाओ इट्स अमेजिंग ओह माय गॉड यू डिडंट ट्राई समथिंग कट इट भैया क्या है प्राइस 150 ये सभी वही है सब सेम प्राइस 200 गए चलो खुद बना रहे हो खुद बनाते हो वाओ साइड दो भैया साइड दो ना टाइम नहीं है मैडम पब्लिक खड़ा है अभी कस्टमर खड़ा है सो गाइस ये जो आप सब देख रहे हो ना ये कुछ मतलब स्टोन वगैरह है जो कि मतलब ये इतनी ग्लेज भी कर रही थी ना मतलब बोलो मत एंड ये कोई मतलब रॉक से निकलता है वो बोल रहे थे एंड इसकी प्राइस लगभग जितनी छोटी है उतनी कम प्राइस है एंड जितना बड़ा होगा उतना प्राइस ज़्यादा है वो बोल रहे थे बट मैं ये नहीं ले सकती बिकॉज मतलब ये ज़्यादा वेट की भी थी सो ये बस देखने में इतनी मतलब वाव लग रही थी एंड एक यूनिक चीज़ें मुझे देखने को मिली एंड ऑनलाइन में एंड में जहाँ पे भी देखी थी ये सब ज़्यादा प्राइस बोल रहे थे बट यहाँ पे थोड़ी सी वो कम बोल रहे थे बट मैं नहीं लाई एनीवेज बट स्टे ट्यून्ड गाइस ऑयली थी एंड एक पेस्ट्री खाने के बाद मुझे यहाँ पे मिल गई कुछ मतलब पान वगैरह जो कि मतलब इतनी अच्छी दिख रही थी मतलब लुक्स वेरी प्रिटी एंड ये आइस के ऊपर था बर्फ़ के ऊपर एंड इतनी ठंड भी लग रही थी मतलब ओ माय गॉड मुझे लगा कि मैं ये 3-4 खा लूँ मतलब एंड प्राइस 30 से शुरू हो रही है ये मैं 60 वाली खाई थी एंड आप देख पा रहे हो ऑलरेडी वो कितनी मतलब इतनी अच्छे से वो मतलब ये इतनी अच्छी दिख रही थी ना मतलब एक पीस को 30 से शुरू होती है एंड 60 ऑनवर्ड्स 500 या 800 तक है वो बोल रहे थे एनीवेज आप लियोपोल्ड कैफ़े के नीचे है ये स्ट्रीट शॉपिंग में स्ट्रीट शॉपिंग के साइड में ही है लियोपोल्ड कैफ़े से आप निकलोगे तो जाते जाते ये आपको मिल जाएंगे ये भैया एंड इनकी टेस्ट इतनी अच्छी थी ओ माई गॉड सो गाइस अगर आपको आना है तो
ट्राई करने के लिए हम लोग भी आएंगे इसमें। स्ट्रीट शॉपिंग में जाते जाते यहाँ पे कुछ मुझे देखने को मिली कुछ यूनिक वाली चीज़ें जो कि आप शायद देखे होंगे बट मैं नहीं देखी थी, जैसे कि हर प्लेयर्स की मतलब फुटबॉल वॉली क्रिकेट एवरीथिंग मतलब प्लेयर्स की टी शर्ट उनके नाम लोगो एंड मतलब जैसे कि मतलब आरसीबी जो भी वट एवर सब कुछ यहाँ पे मिल रहा था एंड मुझे लगा कि ये एक यूनिक चीज़ है जो कि हमें लेना होगा, तो हम यहाँ से 2-3 ले चुके हैं ऑलरेडी। स्ट्रीट शॉपिंग करते करते ना यहाँ पे मुझे एक दुकान मिल गई जिस दुकान के नाम है जैकपॉट, एंड ये जैकपॉट क्यों नाम दिए ये तो मैं कोई पूछना पड़ेगा एनीवेज। एंड यहाँ पे ना मतलब इतनी सारी इनकी कलेक्शंस थी एंड थोड़ी बहुत मुझे यूनिक भी लगी, इसलिए यूनिक लगी मतलब उसकी जो प्रिंट्स थी एंड मतलब ये एक्चुअली हम लोगों के लिए तो नहीं है बट बच्चों के लिए एंड लड़कों के लिए पर्टिकुलरली, मतलब यहाँ पे बहुत कुछ कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। अगर आपको किसी के लिए लेना भी है कि आप बाहर आए हो और उनके लिए भी कुछ ख़रीदना है शॉपिंग वगैरह करना है तो ये जगह आई थिंक परफेक्ट है बिकॉज़ ये प्राइस के साथ 10% 20% ऑफ भी देते हैं एंड प्राइस इतनी भी हाई नहीं थी कि आपको मतलब ज़्यादा मतलब यू कैन सी जस्ट गाइज मतलब ये कलेक्शंस ना मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिख रही थी मुझे, तो मैं यहाँ से 2-3 ले चुकी हूँ ऑलरेडी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू फॉलो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगी Day 1 एंड Part 3 की, उसमें मैं जैकपॉट एंड Day 1 की इवनिंग में मैंने क्या क्या किया सब कुछ दिखाऊँगी। स्टे ट्यून्ड एंड फॉलो FOMO। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।